हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक दैट इज शॉर्ट लेबल बो। सो यूट्यूब पर ऑलरेडी शॉर्ट लेबल बोस की काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, तो इसमें क्या नया है? वही डेमो, वही सब होगा, लेकिन कुछ तो नया होगा ना। तो यस, इस वीडियो में कुछ नया है। तो इसमें ये है कि हम जैसे कि लेबल बो बनाते हैं, तो करते करते क्या हो जाता है कि कई बार हमारा एंगुलेशन चेंज हो जाता है, अडेप्टेशन अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है, हमारे पैलेटल सर्फेस पे अडेप्ट नहीं हो पाता, हमारे टूथ को टच नहीं कर पाता, तो उसको कैसे करेक्ट करना है इस वीडियो में वो एडिड है। एंड द सेकेंड थिंग कि हम पॉइंट्स कहाँ कहाँ लगाने हैं। जो हम केनाइन पर मार्किंग लगाते हैं, क्या वो सेम साइड पे लगानी है या सेम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लगानी है या थोड़ा बहुत तो उसको चेंज करना है, इस वीडियो में मैं वो भी ऐड करूंगा। एंड थर्ड पॉइंट कि हम जो इनिशियली वायर को प्लेस करते हैं, हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द इंटीरियर को टच करना है, ठीक है, उसको कैसे प्लेस करना है बिल्कुल, उसके बारे में भी ऐड करूंगा मैं। एंड द थर्ड थिंग कि जब हम नॉर्मल लेबल बो बनाई है, ठीक है, उसको स्प्लिट लेबल बो में कैसे कन्वर्ट करना है और मॉडिफाइड स्प्लिट लेबल बो कैसे बनाना है, उसके एक दो पॉइंट्स बस ऐड किए हैं वीडियो के एंड में, ठीक है, वो भी देखना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डेंटोरल गुरु। थैंक यू। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ऑलरेडी नो। इनिशियली हम मार्किंग्स लगाएंगे इंसाइजर्स के ऊपर, जो कि हमारे लेबल बो की प्लेसमेंट बताएगा, इंसाइजर थर्ड एंड द मिडल वन थर्ड। एंड द सेकेंड जो पॉइंट्स लगेंगे वो हमारे केनाइन के ऊपर लगेंगे। एक केनाइन आपने मिडल पे लगाना है और सेकेंड वन आपने थोड़ा सा मीजली लगाना है, क्योंकि अगर आपने दोनों पॉइंट्स मीजल पे रखे ना, तो अगर आपने गलती से 1 mm भी पहले ही बेंड दे दिया, तो क्या होगा, जो हमारा बेंडिंग होगी वो हमारी लेटरल इंसाइजर की तरफ ज़्यादा आ जाएगी। ना जो नेक्स्ट टू पॉइंट्स है वो आपने जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहा है ना केनाइन के नीचे, आपने वहाँ पे लगाना, क्योंकि वहाँ से हमारा यू लूप ऊपर को जाएगा। तो ये तो हो गए पॉइंट्स जो हमने कास्ट के ऊपर लगाने हैं। अब आपने 21 गेज नंबर की वायर लेनी है एंड उसको बिल्कुल आर्च की शेप देनी है, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी वायर एक्सटेंडेड करनी है। तो हम सेकेंड मोलर्स के बियॉन्ड, ठीक है, जो हैमुलर नॉच होती है वहाँ से शुरू करेंगे और सेकेंड हैमुलर नॉच ऑपोजिट साइड की तरफ इतनी लंबी वायर लेंगे। अगर आपको प्लेस करने में दिक्कत है तो आप पहले ही हैमुलर नॉच पे मार्किंग लगा देंगे। सो वायर को अपनी पोजीशन पे प्लेस करके जो मार्किंग्स हमने केनाइन के ऊपर लगाई थी, सेम मार्किंग्स हमने अपनी वायर के ऊपर प्लेस कर देनी है। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी हमारी दो मार्किंग्स लग चुकी हैं। अब हमने यूनिवर्सल प्लायर से वायर को होल्ड करना है, ठीक है, एग्जैक्ट जो पॉइंट्स लगाए हैं उसके ऊपर, एंड एक बहुत ही हल्का सा बेंड देना है इनवर्ड अंदर की तरफ। सो इस पोर्शन को ध्यान से देखना कि मैंने हल्का सा इनवर्ड बेंड दिया है, और ऑपोजिट साइड भी मैं वैसे ही सेम हल्का सा इनवर्ड बेंड दूंगा, जो कि हमारी आर्च को फॉलो करेगा। ये मेथड सिर्फ शॉर्ट लेबल बो के लिए है। अगर आप लॉन्ग लेबल बो पे ये मेथड अप्लाई करोगे तो वहां पर किंक पड़ जाएगा। वायर को हल्का सा स्ट्रेट कर लेंगे। सो अपने फिंगर्स के साथ इसको हल्का सा बेंड करके इसको कास्ट के ऊपर प्लेस करके देखेंगे कितना पोर्शन है जो अभी लेबल सरफेस को टच होना है, एंड कौन सा पोर्शन टच हो चुका है और कौन सा पोर्शन अभी टच होना है। एंड आपने वायर के बिल्कुल सेंटर में फिंगर रख के हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है, बट ध्यान रखना कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो सेंटर पे किंक पड़ जाएगा। सो अगर आपका मोर देन 50% वायर आपकी टच कर चुकी है लेबल सर्फिस को, तो हमने क्या करना है कि जो सर्फिस टच हुआ है वहां से पकड़ के हमने ऑपोजिट साइड को एक हल्का सा बेंड देना है। सो मेरी वायर ने अपनी पूरी आर्च की शेप ले ली है, जितनी हमें शॉर्ट लेबल बो के लिए चाहिए।
एंड नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले ये अश्योर कर लेना कि हमारी सारी सर्फेसिस टच कर रही हैं कि नहीं, बिकॉज इनिशियली अगर कोई फॉल्ट आ गया तो आगे जाके वो फॉल्ट इंक्रीज होता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमने 90 डिग्री बेंड देना है। तो 90 डिग्री बेंड है जो हमने केनाइन पे मार्किंग लगाई थी, वहाँ से 90 डिग्री जाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो हमारे ऑक्लूजल प्लेन को फॉलो करे। एंड 90 डिग्री बेंड देने के बाद आपने हल्का सा वायर को अपवर्ड मूवमेंट दे देनी है, क्योंकि वो जो नीचे हमारा कास्ट का बेस होता है उसके साथ वो इंटरफेयर करेगा। सो आफ्टर 90 डिग्री बेंड हमने वायर को प्लेस करके देखना कास्ट के ऊपर कि क्या उसकी पोजीशन ठीक है। अगर उसकी पोजीशन ठीक है तो अब हमने थर्ड स्टेप के ऊपर जाना है, दैट इज यू लूप बेंड। और वो यू लूप कहाँ से जाएगा, जो हमने केनाइन के प्रोमिनेंट नीचे रूट की तरफ पार्ट के ऊपर मार्किंग की थी, वहाँ पे दोबारा मार्क हमने वायर के ऊपर प्लेस करके उसको यू लूप देना विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल प्लायर। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब हम यू लूप बेंड देते हैं ना, तो हमारा प्लेन से थोड़ा आउट हो जाता है। तो उसे करेक्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे इस केस में देखना कि जैसे मैंने यू लूप बेंड दिया वो अपने प्लेन से डाइवर्ट हो गया। तो अब हमने वायर को एडम्स प्लायर के साथ होल्ड करना है, हमने इस पॉइंट से नहीं बल्कि इस पॉइंट से होल्ड करना है, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने होल्ड किया होगा ना वो पार्ट स्टेबल रहेगा और जो बाकी पार्ट होगा ना वो मोबाइल हो सकता है। तो बो के टर्मिनल पॉइंट को होल्ड करके हमने रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन है उसको इनवर्ड मूवमेंट दे देनी है। नाउ यू कैन सी कि वो अब टच कर रहा है, पूरे प्लेन में है हमारा यू लूप। जो हमारा यू लूप का साइज थोड़ा सा बड़ा है, बस उसको क्या करना है, हमने प्लायर के साथ कंप्रेस कर देना है। नाउ यू कैन सी कि वो अपनी एग्जैक्टली पोजीशन पे आ चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब हम जाएंगे ऑपोजिट साइड की तरफ। ऑपोजिट प्रोसीजर भी सारा बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। अगर हम आउट ऑफ प्लेन जाते हैं तो वैसे ही हमने वायर को होल्ड करके, ठीक है, जो मोबाइल पोर्शन है उसको इनवर्ड मूवमेंट देके हमने उसको करेक्ट कर लेना है। बस 90 डिग्री देते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम 90 डिग्री बेंड देंगे जो हमारी वायर है या बो है वो हमारे ऑक्लूजन प्लेन को साइमुलेट करनी चाहिए। सो हमारी इनिशियल बेंडिंग से लेके जो हमारा लास्ट रिटेंटिव लूप तक सारा प्रोसीजर है वो ऑक्लूजन प्लेन को फॉलो करना चाहिए। नाउ अब इस पोर्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना, जो हमारा सेकेंड लूप का टर्मिनल वायर है ना वो हवा में है। अब उसको कैसे एडजस्ट करना है बिटवीन द एम्ब्रेजर ऑफ द केनाइन एंड द फर्स्ट प्रीमोलर। सो इस पोर्शन में हमें जो टर्मिनल वायर है उसको एडजस्ट करना है ना, तो जितना भी जो रेस्ट ऑफ द बो है उसको हम स्टेबल कर लेंगे, ठीक है, विद द प्लायर। और जो हमारा टर्मिनल पार्ट है सिर्फ उसको एडजस्ट करना है इनवर्ड मूवमेंट देके। नाउ द लास्ट पार्ट लेफ्ट, दैट इज अ रिटेंटिव आर्म। तो हमने बोथ साइड मार्किंग कर लेनी है।
नाउ अगेन आपने 90 डिग्री बेंड देना है। आप इसमें मोर देन 90 डिग्री बेंड भी दे सकते हो, डायरेक्टली आप पैलेटल पे अडेप्ट कर सकते हो, बट ये आइडियल कास्ट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो सबसे पहले आपने इनिशियली बोथ साइड 90 डिग्री बेंड देना है। सो 90 डिग्री बेंड देने के बाद आप फिर से उसको कास्ट पे रखोगे एंड देन अगेन मार्किंग करोगे अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 mm थोड़ा सा आगे। इफ इन केस अगर कोई कंस्ट्रिक्टेड आर्च है किसी पेशेंट की, तो आप डायरेक्टली बिल्कुल पैलेटल पे अडेप्ट कर सकते हो। नाउ फाइनली आपने रिटेंटिव टैग देके रिटेंटिव आर्म को पैलेटली अडेप्ट कर देना। सो रिमेंबर बिफोर एक्रिलाइजेशन जो हमारी लेबल बो है वो पैसिव होनी चाहिए कि कास्ट इन्वर्ट करने पर वो इजीली नीचे डिटैच हो जानी चाहिए। सो माय लेबल बो इज रेडी, आर यू रेडी? इफ यस देन गो ग्रैब योर स्टफ एंड स्टार्ट फैब्रिकेटिंग योर ओन शॉर्ट लेबल बो। रुको रुको रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। सो यहां पर मैं मॉडिफिकेशन ऑफ लेबल बो की बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं द मॉडिफाइड स्प्लिट लेबल बो। सो इसमें बस एक डिफरेंस है कि जो इसकी लेबल बो की आर्म होती है ना, वो क्रॉस करती है। जो हमारी लेफ्ट आर्म होगी वो हमारे ऑपोजिट सेंट्रल इंसाइजर के डिस्टल को कवर करेगी, एंड जो राइट आर्म होगी वो हमारे सेकंड ऑपोजिट इंसाइजर के डिस्टल को कवर करेगी। एंड इन केस ऑफ सिंपल स्प्लिट लेबल बो, एग्जैक्ट शॉर्ट लेबल बो बना के बिटवीन दी टू सेंट्रल इंसाइजर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपने उसको वायर के साथ कट कर देना, तो वो आपका सिंपल स्प्लिट लेबल बो बन जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जितना शेयर कर सकते हो करना। थैंक यू सो मच।